दोस्तों आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज हम जानेंगे कि तुलसी की पत्तियों के साथ ना करें ये काम, नहीं तो हो जाएंगी नाराज। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। तुलसी को हजारों वर्षों से विभिन्न रोगों के इलाज के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद में तुलसी तथा उनके विभिन्न औषधीय प्रयोगों का विशेष स्थान है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। यही नहीं, इसके साथ एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते। तुलसी का पौधा घरों में, मंदिरों में लगाया जाता है, साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इसके औषधीय गुणों के अलावा यह कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कैसे। तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नामक एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वो दुनिया भर में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उस पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है, मौत का श्राप। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मौत का श्राप लगता है। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। गणेश पूजन में वर्जित है तुलसी के पत्ते। एक कथा के अनुसार एक बार तुलसी जंगल में अकेली घूम रही थी, जब उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि ध्यान में बैठे थे। जब तुलसी ने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह ब्रह्मचारी है, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसीलिए तुलसी ने उससे कहा कि वह उनके घर जाना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी का पौधा घर के बाहर ही लगाए। जब तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया, तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। ऐसे ही अलौकिक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहे चमत्कारी टोटके चैनल के साथ।